चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग 9.1, ठीक है, 9.1 की क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया था, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस चैप्टर की क्वेश्चन करने के लिए आपको मेन फिगर बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लेंगे तो आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो गया है। फिगर से भी मार्क्स मिलता है, इसीलिए फिगर सही से बनना चाहिए आपसे। तो देखिए, एक एक लाइन पढ़ के ठीक से बनाइएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो भूमि जमीन में होते तो एक भूमि बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने भूमि एक बना लिया, ठीक है। अब देखो कितने मीटर ऊंचाई, 60 मीटर ऊंचाई। तो यहां से मान लेते हैं ये 60 मीटर ऊंचाई है, ए और बी जो है मेरा कितना मीटर ऊंचाई है, 60 मीटर ऊंचाई, ठीक। क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है, तो यहां पर कोई एक पतंग बना लेते हैं हम, एक पतंग बना देते हैं, ठीक। ये मान लीजिए हमारा पतंग है, और यहां से क्या होगा, पतंग की डोरी रहेगा। तो ये पतंग की डोरी जो है कहां पे है, पतंग की डोरी भूमि के साथ, भूमि में। देखिए, पतंग की डोरी अस्थाई रूप में भूमि से एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु में बांधा हुआ है। तो 60 मीटर बोल रहा है, तो इसको पूरा कर लेते हैं, 60, ये पूरा 60 है ये भी, ठीक। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखो, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। और क्या भी बोल रहा है, डोरी जो है, मतलब ये ए बी था, ये सी, सी ए डोरी है, डोरी कहीं स्लैग नहीं, मतलब लूज नहीं है, ये जो डोरी की क्या बोल रहा है, देखो ढील नहीं है, ढील नहीं है कहीं, मतलब ऐसे टाइट टाइट है पूरा, ठीक। और आपको बोल रहा है क्या, लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई, मतलब ए और बी, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो देखिए, फिगर तो बन गया। अब डोरी के लिए ए सी निकालने के लिए यहाँ पे कौन सी त्रिभुज बन चुका है, बताइए, ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये 90 अंश है। तो ये क्या होता है, मेरा आधार होता है, और ये क्या होता है, मेरा कोण, और ये क्या होता है, लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब देखो, इसको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पता है, कौन सा पता है मेरे को, ए बी, मतलब लंब पता है, तो हम क्या कर देंगे, देखिए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, सी में क्या देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बटा क्या कर देंगे, ए सी। तो ए बी बटा ए सी कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण, क्या होता है, लंब बटा कोण, साइन थीटा, तो थाइन 60 डिग्री, समझ में आ गया। अब देखो, ए बी कौन है, 60 मीटर, तो ए बी के जगह में हम कितना लिखेंगे, 60। ए सी तो हमको निकालना है, ए सी बराबर साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए सी गुणे √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। तो ए सी बराबर हमारा कितना होगा, 120 बटा √3। नीचे √3 हमको तो नहीं चाहिए, हटाना है, तो नीचे √3 को हटाने के लिए ऊपर में भी √3 गुणा कर दीजिए, नीचे भी √3 गुणा कर दीजिए, समझ में आ गया। आप ये कितने हो जाएंगे बताओ, 120 √3, नीचे √3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 40, तो कितना हो जाएगा, ये 40 √3। तो डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 √3। हाँ, एक चीज लिख दीजिएगा, ए बी कौन है, ए बी कौन है, 60 ऊंचाई, इतने ऊंचाई में उड़ रहा है, तो लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ए बी बराबर 60 मीटर, ठीक। और ए सी क्या है मेरा, ए सी जो है डोरी है, ये चीज को लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, ये चीज को लिख देंगे तो और सही। बस ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का फिगर और इसकी जो सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया।